हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिनसे आपकी जो पियर्सिंग है बिल्कुल हेल्दी रहने वाली है। एंड गाइस, आप में से काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमने पियर्सिंग कराई है, 3 मंथ हो गया है, बट उसमें से पस आ रहा है। एंड काफ़ी सारे आपके डाउट्स आते हैं, कॉमेंट्स आते हैं। एंड गाइस, आप में से काफ़ी सारे लोगों को बेनिफिट भी होता है। गाइस, आज के इस वीडियो में आपके साथ करने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें रिगार्डिंग पियर्सिंग। सो गाइस, वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। एंड गाइस, थैंक यू सो मच पियर्सिंग वाली वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। एंड गाइस, आप में से काफ़ी सारे लोग रेमेडी को यूज़ करते हैं और जब आपके काम आती है आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। एंड गाइस, आपके काफ़ी सारे कॉमेंट्स आते हैं, काफ़ी सारी क्वेरी आती हैं। सो आपके सारे क्वेरी के आंसर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, पहली चीज, आप में से काफ़ी सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि हमारी पियर्सिंग से जो है पस आ रहा है। सो गाइस, जब भी आपकी पियर्सिंग से पस आए तो आपको एक चीज़ करनी है, आपको अपनी पियर्सिंग को सबसे पहले क्लीन करना है। सो गाइस, आपको अपनी पियर्सिंग को क्लीन कैसे करना है, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा। एंड गाइस, अगर नहीं देखी है तो मैं बता दूँ, आप सिंपली कोकोनट ऑयल यूज़ करिए और ऑयल से अपनी पियर्सिंग को क्लीन कर लीजिए। सो गाइस, जब भी आपकी पियर्सिंग से पस आए ना तो एक आई ऑइंटमेंट आता है जिसकी पिक्चर मैं यहाँ पर शो कर दूंगी। एक कैप्सूल आता है, 2 से 3 रुपए का आता है। एंड में डालने के लिए उस कैप्सूल को यूज करते हैं। कई सारे लोग काजल बनाने में भी उस कैप्सूल को यूज करते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा और ये आपके पियर्सिंग की पस की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। एंड गाइस, बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप पस की प्रॉब्लम है ना बिल्कुल छू मंतर हो जाएगी। सो गाइस, अगर आप में से किसी को भी पस की प्रॉब्लम है तो ये वाली रेमेडी ट्राई कर लीजिएगा, वो पस से बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। गाइस, आप में से काफ़ी सारे लोग एज के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं कि हमने अपनी बेटी की पियर्सिंग कराई है, उसकी पियर्सिंग में बम्प हो गया है, तो क्या हम आपकी बताई रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, मैं जो भी रेमेडी बताती हूँ बिल्कुल सेफ है, साइड इफेक्ट नहीं है, तो बिल्कुल आप वो रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे अगर आपकी पियर्सिंग में बम्प है ना, सो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं पियर्सिंग बम्प पर, आप वो वीडियोस देख लीजिएगा, आपकी पियर्सिंग बम्प की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। फिर भी मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर कर दूँ दोस्तों, जैसे ही आप पियर्सिंग कराते हैं आप मेरी बताई हुई जो पहले सबसे पहले जो मैंने रेमेडी बताई थी वो यूज़ कर लेंगे, पियर्सिंग बम्प आपको होगा ही नहीं। और इनिशियली अगर हुआ है ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, करना कुछ भी नहीं है दोस्तों। आपको लेना है मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, एक चुटकी हल्दी डालिए, हल्का सा गर्म करिए, गुनगुना रहे तभी उसे अपने पियर्सिंग के ऊपर यूज़ कर लीजिए। एंड गाइस, बस ऐसा 2 से 3 दिन करिए और आपकी पियर्सिंग जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सो ये क्या करता है, आपकी पियर्सिंग के हीलिंग प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देता है, किसी भी तरह के इन्फेक्शन को दूर कर देता है। एंड इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी पियर्सिंग में बम्प नहीं होगा। एंड गाइस, अगर आपकी पियर्सिंग में बम्प हुआ है तो वो भी ठीक हो जाएगा, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेरी आ रही थी दोस्तों कि हमारी जो पियर्सिंग है वो जल्दी से हील नहीं हो रही है। गाइस, सबके पियर्सिंग का हीलिंग टाइम जो होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, किसी की पियर्सिंग जो होती है बहुत फास्ट हील हो जाती है, किसी की पियर्सिंग में काफी प्रॉब्लम आती है, किसी की पियर्सिंग में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती है। सो गाइस, अगर आपकी पियर्सिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरी बताई रेमेडीज यूज करिए। फ्रेंड, फिर भी अगर आपको टेंशन हो रही है कि हमारी पियर्सिंग जो है 3 महीने हो गए अभी तक ठीक नहीं हुई, 4 मंथ हो गए अभी तक ठीक नहीं हुई, सो गाइस मैं आपको बता दूं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। कई बार क्या होता है, पियर्सिंग जो है दुख जाती है या फिर कुछ कंडीशन ऐसी होती है जो उसके लिए फेवरेबल नहीं होती हैं, यानी कि कई पियर्सिंग को पानी बिल्कुल सूट नहीं करता है, आपकी पियर्सिंग थोड़ी सी भी भीग जाती है, वेट हो जाती है, तो आपकी पियर्सिंग में प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। एंड गाइस, मैंने नोटिस किया है सम टाइम वेदर चेंज होने की वजह से भी पियर्सिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं। सो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, आप सिंपली रेमेडी यूज़ करते रहिए। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है तो आप कोकोनट ऑयल अप्लाई करना मत छोड़िए, जिससे क्या होगा दोस्तों, आपकी पियर्सिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। या फिर आप हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार
मस्टर्ड ऑयल या हल्दी वाला जो रेमेडी है वो यूज़ कर लें तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। एंड गाइस टेंशन मत लीजिए, आपकी पियर्सिंग हील हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगी, ऐसा मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। सो गाइस ऐसा होता है, कई बार पियर्सिंग को हील होने में काफ़ी टाइम लग जाता है और हीलिंग पीरियड के दौरान कई बार क्या होता है, पियर्सिंग जो है बिल्कुल ठीक हो जाती है लेकिन बीच में उसमें प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे कई बार बीच में पस हो जाता है, हल्का सा बम्प होता है, वो ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है, तो ऐसा होता रहता है दोस्तों। इससे बचने के लिए बस आप यही कर सकते हैं कि आप रेमेडी को यूज करना ना बंद करें। तो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ है, अगर आपकी पियर्सिंग हील भी हो जाती है ना, और अगर आपकी पियर्सिंग को 6 मंथ नहीं हुए हैं या फिर 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुए हैं, और अगर आपने अभी तक अपनी पियर्सिंग जो है इयररिंग जो है एंड गाइज अगर आपने अपनी इनिशियल पियर्सिंग इयररिंग जो है चेंज नहीं किया, देन गाइज तब तक आप हफ्ते में एक बार, महीने में 2 बार या फिर 2 हफ्ते में एक बार इस तरह से रेमेडी यूज़ करते रहें, यानी कि मस्टर्ड ऑयल वाली और हल्दी वाली रेमेडी यूज़ करना बिल्कुल भी बंद ना करें, ये रेमेडी यूज़ करते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी पियर्सिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आप जो क्वेश्चन करते हैं ना कि हमारी पियर्सिंग में बार बार प्रॉब्लम आ रही है, बार बार प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड गाइज बात करें पियर्सिंग कैलोइड की, तो पियर्सिंग कैलोइड जो है वो जल्दी से ठीक नहीं होता है। अगर आपके पियर्सिंग पे पियर्सिंग कैलोइड हो गया है तो पियर्सिंग कैलोइड ठीक होने में बहुत टाइम लेता है दोस्तों, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, वीडियो देख लीजिएगा। एंड गाइस कोशिश करिएगा कि आप अपनी पियर्सिंग की अच्छे से देखभाल करें ताकि पियर्सिंग कैलोइड आपको हो ही ना। गाइस आई होप अब मैंने आपकी सारी क्वेरीज के आंसर दे दिए, फिर भी दोस्तों कोई डाउट होता है तो वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। एंड गाइस अगर आप पियर्सिंग से रिलेटेड कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो टॉपिक को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड दोस्तों मैं और भी न्यू पियर्सिंग ट्राई करने को सोच रही हूँ, तो अगर आपकी कोई सजेशन है तो वो भी बताइएगा। एंड गाइस अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं एंड वहाँ पर भी DM कर सकते हैं दोस्तों। एंड स्किन केयर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो स्किन केयर से रिलेटेड भी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जैसे कि अगर आपको मस्सी की प्रॉब्लम है, आपके स्किन पर वाइट पिम्पल्स हैं और बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम जो होती है दोस्तों उन पर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। या फिर स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई आप वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर बता सकते हैं, उस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी। सो गाइस आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। एंड दोस्तों पियर्सिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट्स करिए, अगर आप रेमेडीज से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो अप्लाई करने से पहले कमेंट्स करके जरूर पूछ लीजिएगा या फिर इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ लीजिएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।